मैं दुर्गे सोलंकी न्यू 21 बाड़मेर। आज मैं आया हूँ ग्राम पंचायत डंडाली। मेरे साथ है संपा लाल जी राजपुरी। तो ये 35 साल से बाबा रामदेव जी की सेवा कर रहे हैं और यहाँ से गुजरात से राजस्थान से लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि डेली का 2 क्विंटल से 3 क्विंटल आटा यहाँ से रोटी बना के लोगों को भोजन करवाते हैं। और रात को लेट सेट आता है, कोई कभी चलता आता है, कोई गाड़ी लेके आता है, तो उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं। तो मेरे साथ है संपालाल जी राजपुरी जी, मैं इनसे बात करूंगा। संपालाल जी बताओ, आप कितने साल से बाबा के रामदेव जी की सेवा कर रहे हैं और यात्रियों को उनको भी सेवा दे रहे हैं? भाई 35 साल हुआ है भक्तों रही और गुजराती भगत आवे रणुजय तीर्थ जावा बात है। उम्र बात है 10 साल तो बाद घर सेवा की थी और दुकान थी किराने की, साग सब्जी थी बिजोरी उन्हें बात है आप था सौंप रहा हूँ। उन्हें बैठता करता हूँ आसो खराब था साफ होनी तो रात नाश को खराब रोटी को करवा था। 10 साल तक तो घर सेवा की थी। उन्हें बाद में कुछ डिग्गिया उठी पड़ती भगत ज्यादा बजा यार था रोड ऊपर घर सोई साबान पापड़ पाती जी जा ले अलग अलग रोड पाए आगे तलाब रे पाए अट के सोरा आए आए रहे चार दिन मैं तलाब आए हुई है। तलाब के पास है तो बेहद तंबू तोड़िया तंबू तोड़ कर गया था तंबू और मैं 5 साल की सेवा की थी। उन्हें बाद में पता है कि पंचायत ग्राम पंचायत इंडारी सेवरों की डोनी आस पास गो करो गुजरात रहो है वो सेवक लगो वो सेवक रखा ने सनातन धर्म को आश्रम बनायो। सनातन आश्रम पर बने रात दिन 24 कलाक ये चालू है। डेली जो दो बे कुटल अनाज जा रहे हैं खावा खावा पीवा बात है और 2-3 टंकी पानी जा रहे हैं 24 घंटा चालू है और सदा भर अंतर चाले। संपालाल जी गुजरात के अंदर 37 जिले 285 तालुका, इसमें ऐसा कोई गांव में गुजरात के अंदर है तो कोई एक बार यहाँ आया नहीं? ऐसा कोई गांव बाकी नहीं है कि ये आश्रम में नहीं आया, ऐसा कोई गुजरात रो कोई गांव बाकी नहीं। हर गांव में आप जाए आप तपास कर सको गांव गांव फरीद आप रोज कर सको पर गुजरात राज 37 जिला 285 तालुका है वे में कोई गांव बाकी नहीं है कि भाई अरणु से जाए जड़ो कोई गांव बाकी नहीं है। तो ये आश्रम में आयो नहीं आया जड़ो कोई बाकी नहीं है सब हटाए आया पर आयुड़ा है सब जोड़े पसौने वोट में। संपालाल जी गुजरात के अंदर आप उन लोगों से एक बार या दो बार या तीन बार यहाँ आ चुके तो आपके पास उस लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर कितने लोगों के आज तक? कॉन्टेक्ट नंबर तो आके गुजरात रहा है पर गड़िया है नहीं पर लगभग तो जितना गुजरात रहा भगत है यात्रा है मारू है टेलीफोन नंबर एक उनके गोमरे में बीबी से आता टेलीफोन नंबर मारे जुड़े है। बाकी एक गोमरे में पसा मन लगाता है हो मन लगाता है तो वो हो रहा नहीं है पर जरूर वो एक ही गोमरे में बीबी तीन चीज जड़ोरा टेलीफोन नंबर भर पाए भर पाए एड्रेस कागज वीजा कार्रवाई और कौन डॉल पसौट है भर पाए। संपालाल जी अभी तो आप कह रहे थे हमारे पास 1 करोड़ लोगों का कॉल नंबर है हमारे पास 3 करोड़ से 3 लाख रखा था एक, अच्छा 1 लाख का था हाँ 1 लाख लोगों का आज भी आपके पास लाख दो लाख तो आज ही टेलीफोन नंबर हमारे पास साबुत है आज ही लाख बी लाख तो टेलीफोन नंबर हमारे पास साबुत है हमारे पास जोमत है। आज यहाँ पे बाबा रामदेव की सेवा करते सब भक्तों का डोनेट करते हैं सब भक्तों का समय से सनातन धर्म रो है अडार वर जाति समाज कोई एक समाज का नहीं है सब समाज का दोन आता है सब समाज का सेवा आती है सब समाज का साथ मिल करके ये सेवा का लाभ लेता है। और आप 35 साल से सेवा कर रहा था हाँ आप 30 साल से मान लो 30 साल तक 30 साल से तो हुए मेरे साथ से संपालाल जी राजपुरी। इन्होंने कहा कि हमसे शुरुआत से बाबा रामदेव जी के लोग इतने पैदल जाते थे तो उनकी रहने की व्यवस्था नहीं थी खाने की पीने की रात रुकने की पानी की तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी तो शुरुआत हमारे घर पे आते थे फिर हम किराने दुकान पर व्यवस्था करते थे फिर हमने विचार कर लिया ऑन हाईवे पर जगह पड़ी है तो इस जगह पर एक तंबू लगाया धीरे धीरे हमने उनके रहने की व्यवस्था की तो ऐसे करके आज तक हमारे पास कम से कम 2 से 3 लाख लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर है और गुजरात के अंदर 37 जिले और 225 तालुकात और यहाँ अपने राजस्थान में तहसील बोलते हैं तो 225 तहसील के अंदर ऐसा ग्राम पंचायत कोई है नहीं जो वहाँ एक बार आया नहीं है। तो इन्होंने पूरी बाबा रामदेव जी की सेवा करने अपनी पूरा परिचय दिया और इतने साल से सेवा कर रहे हैं और भी आगे सेवा है चालू ही रहेगी। मैं दुर्गेश सोलंकी न्यू 21 बाड़मेर।